क्या बात कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है? कर रहे हैं रियली? हमने ऐसा कुछ नहीं किया भाई, बहुत सारे अंडरवेयर खरीद लिए ले जाने के लिए, बस और तो कुछ नहीं है। कच्चे खरीदे हैं काफी सारी शॉपिंग करी है कपड़ों की, क्योंकि वहाँ पे ठंडी होती है। और रोहित सर के साथ मिलके प्रैंक प्लान करेंगे और सबको बस जाने के लिए तैयार है। बस सामान पैक हो गया, अभी बस फ्लाइट है, 5 मिनट के अंदर अंदर निकल रहे हैं। सेम, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। और मज़े की बात यह है कि हम दोनों साथ में हैं, साथ में कर रहे हैं खतरों के खिलाड़ी, वो भी हम लोग फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं एज इन एक साथ अब इंटरनेशनली, तो बहुत मज़ा आएगा, अच्छे अच्छे स्टंट्स होंगे, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। की और रोहित सर के क्या बोलते हैं इसको, गाइडेंस के अंदर हम ये सारी चीज़ें करेंगे, तो वी आर वेरी 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 एक्साइटेड। 100% क्या बात कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है? कर रहे हैं Really? तो आपने भी ऐसा कुछ करने की कोशिश की है या ऐसा कोई? हमने ऐसा कुछ नहीं किया भाई, बहुत सारे अंडरवेयर खरीद लिए ले जाने के लिए, बस और तो कुछ नहीं है। कच्चे खरीदे हैं काफी सारी शॉपिंग करी है कपड़ों की, क्योंकि वहाँ पे ठंडी होती है। बट डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि इधर तैयारी करके कोई मतलब है। ऑफकोर्स जो करते हैं वो करते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो एक बहुत अनप्रिडिक्टेबल शो है। उधर जब स्टंट आएगा तब पता चलेगा एक्चुअली कि कौन कितने पानी में और हमको कितनी चीज़ें आएगी, तो वो उधर जाके पता चलेगा, तो हम देख लेंगे उधर पहुँच के। सही बात है, और क्या, करेक्ट है, बिल्कुल सही बोला, एकदम कॉपी पेस्ट। आई थिंक बहुत मजा आएगा, क्योंकि हम भी बहुत प्रैंक करते हैं, हमने बिग बॉस में भी बहुत प्रैंक किया लोगों के साथ, आपने देखा ही होगा कि मैं तो बहुत प्रैंक्स करता हूँ भाई, बहुत नेक्स्ट लेवल। और रोहित सर अगर ऐसे करेंगे तो हमको बहुत मजा आएगा, एंड हम भी बहुत उसमें इंडल्ज होंगे, इन्वॉल्व होंगे, एंड हम भी बस क्रेजी करेंगे, बस बहुत बहुत क्रेजी करेंगे, बस बहुत 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 ही क्रेजी करेंगे। एक्चुअली प्लान ये है कि देखो, हम पर प्रैंक्स नहीं होंगे, हम लोग रोहित सर के साथ मिलके हम एक टिकड़ी बनाएंगे, मस्त ऐसे स्ट्रेटेजी है ये, और रोहित सर के साथ मिलके प्रैंक प्लान करेंगे और सबके ऊपर प्रैंक। आप भी बच के रहना, प्रैंक हो जाएगा। नहीं, एक चीज मैं बहुत जेन्युइनली और सच्ची बताऊंगा कि देखो, मेरा 3-5 आपको पता है क्या है, जब मैं बिग बॉस में गया था तो मैं पहला कोरियोग्राफर बिग बॉस में, अभी इस शो पे ऑलरेडी कोरियोग्राफर आ चुके, तो सब जीत के जाएंगे कोरियोग्राफर, तो कोई तो चाहिए ना थोड़ा अलग करके जाने वाला, सो आई थिंक वो मैं करूंगा। कि पता नहीं मुझे उस शो पे क्या होने वाला है, बट यस, देयर इज, बट जीत भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देयर इज अ थिंग विद कोरियोग्राफर्स की हैंड माइंड का कोऑर्डिनेशन होता है, हमें वो एक सेंस ऑफ रिदम होता है चीजें समझने का, सो वो पता नहीं, लेकिन वो स्टंट क्या होगा, मैं कैसे उस चीज पे रिएक्ट करूंगा, सो आई डोंट नो। देयर आई थिंक कि वो ये जो शो है ये कोई भी जीत सकता है, जिसमें जो यू नो शांत स्वभाव का इंसान है, कोई भी जीत सकता है वो इंसान, एंड जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली या मेंटली फिट हो या कुछ हो, यू जस्ट हैव टू कीप काम, एंड यू नो, बिकॉज़ अगर आपका, अगर इवन इफ यू आर स्विमर, आप पानी में चले गए, आप काम नहीं हो, तो आप उसमें भी यू नो यू कैन नॉट बी एबल टू डू वेल, बट जस्ट कीप काम। यहाँ पे अगर काम रहे तो आप फिर काम हो जाएगा, नहीं तो काम हो जाएगा। मैं खो गया था, सॉरी। स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही है कि बस हम आई थिंक कि हम वेरी वेरी डेडिकेटेड, एंड आई थिंक द अमाउंट ऑफ डेडिकेशन दैट वी पुट इन, आई थिंक दैट इज वॉट पुशेज अस इवन फर्दर, कि हमको करना है तो करना है, वी just go for it. Also, एक strong point मैं कहूँगा, मुझे पता नहीं वो points में आएगा या नहीं आएगा, but ऐसा मुझे लगता है कि ऐसे shows पे, जो बहुत बड़ा show है खतरों के खिलाड़ी, बहुत daredevil stunt वाला show है, वहाँ पे तुम्हें हौसला देने वाला इंसान भी होना चाहिए। आई थिंक ये हम दोनों साथ में जा रहे हैं, सो मुझे पता है कि अगर मैं किधर सफल जाऊँ लाइफ में, तो प्रतीक मुझे उधर सपोर्ट करेगा, बूस्ट करेगा कि मैं और अच्छा करूँ, एंड वाइस वर्सा, अगर वो किधर सफल जाएगा तो मैं उसको बूस्ट करूँगा, प्लस देयर इज तुषार, सो आई थिंक दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, कि वी आर फ्रेंड्स एंड वी आर डूइंग दिस थिंग टुगेदर, तो हंसी में एंजॉय करना है हमें, एंड दैट इज द होल आईडिया। एंड आई थिंक वो एक ऐसा शो है जहां पे सब एक दूसरे को पुश करते हैं, यू नो, ऐसा कोई वहां पे कोई किसी के अगेंस्ट या कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, सब एक दूसरे को पुश करते हैं, किसी को प्रमोट करते हैं कि तू भी कर, जो भी होगा देखा जाएगा भाई, जो अपना बोलता है कि तू भी कर ना, मतलब जो फॉर एग्जांपल मेरे भाई, मेरी मॉम, डैड, अगर जब वो बोलेंगे तो एक अलग से एनर्जी आ जाती है, वैसे अपने दोस्तों के साथ थोड़ी और अलग एनर्जी आ जाती है, राइट राइट, सो दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। क्या बात है, मानना पड़ेगा, बिल्कुल थैंक्स यार, बिल्कुल यार। देखो, मुझे फिनाले विनाले का अभी पता नहीं है, हमको हार्डवर्क करना है, बट मुझे एक चीज़ 110% पता है, ये और वो दोनों मिलके मेरी बैंड बजाएंगे शो पे, मेरी बहुत मतलब लेनी देनी करनी है इन्हें, सो ये लोग वही करने वाले हैं, सो मैं उस चीज़ को सोच रहा हूँ कि स्टंट तो हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा ये लोग मेरे को इतना इरिटेट करने वाले हैं शो पे, सो आई एम थिंकिंग अबाउट दैट। हाँ जी, क्योंकि दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि दोनों, तुषार मेरा 10 साल से दोस्त है, ये मेरा अभी 8-9 महीने से दोस्त है, एंड वी आर ऑल थिक फ्रेंड्स, सो ये लोग मेरी मतलब जो भी होगा बहुत एंजॉय करने वाले हैं, एंड हम बहुत अपना 100% देने वाले हैं। बस हर किसी भी चीज़ से जो भी फोबिया ऐसा लगेगा ना कि फोबिया है, तो हर चीज़ ओवरकम करेंगे, बट एज सच हमें, आई बिलीव दैट आई एम फियरलेस, एंड मुझे लगता है कि वहाँ पे अगर आप किसी चीज़ से डरते हो और उसमें उतर गए ना, तो वही जीत है, आई थिंक वही आपके लिए जीत हो जाएगी, उसके आगे वो हो ना हो, वो क्या है क्या नहीं है, वो अलग बात है,
बट अगर सांप से डर लगता है, सांप के सामने खड़े हो गए ना और उसको बोल आंखों में आंखें डाल के देख ले, तो आई थिंक वही जीत हो जाती है वहीं पे, एंड बाकी तो वो फिर बैठा है। देखो ये जो इस शो पे होता है, ये स्टंट्स होते हैं, वो हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में करते नहीं है, ठीक है। सो आई थिंक एवरीथिंग ऑन दैट शो इज न्यू फॉर अस, लाइक फॉर मी, क्योंकि आई थिंक हम दोनों ने ऐसी चीजें कभी लाइफ में करी नहीं है। सो वो जब स्टंट आएगा, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ फोबिया, बट उसको हम मेहनत करके उसको पार करेंगे, दैट इज द होल आइडिया। ये हम कोशिश करेंगे करने की। आपके मतलब कंपटीटर तो बहुत सारे ऐसा कौन सा टफ कंटेंडर रहने वाला है? मैं बता दूं, मैं बोलूंगा हम खुद ही एक दूसरे के, मैं मेरा कंपटीटर हूं। और मेरा मेरे कंपटीशन में देखो कौन कौन है, मेरे नाम बहुत क्लियर है, पानी है, हाइट है, फिर वो सब जानवर है, फिर वो जो इलेक्ट्रिक करंट है, और उससे भी ज्यादा है कि जब रोहित सर डांटेंगे वो, तो उन सारी चीजों को कैसे मैं कम्पीट करके आगे जाऊंगा, बीट करूंगा, दैट इज माय कंपटीशन। कंपटीशन यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपने डर से कॉन्कर, अपने अपने डर को कॉन्कर करके फियर को यू नो बीट करने जा रहे हैं, तो आई थिंक वही कंपटीशन है और उसी को उसी से आगे बढ़ना। क्योंकि जो फिलहाल मेरे मन में चल रहा है, जो इसके मन में चल रहा है, सबको इस शो पे अच्छा ही करना है, बट समवेयर एवरी वन इज ऑल्सो फ्राइटेंड बिकॉज सब पहली बार कर रहे हैं। सो आई थिंक इधर मुझे प्रतीक को हराना या प्रतीक को मुझे या कोई दूसरे कंटेस्टेंट को, वैसा है नहीं, जो हमें दिया जाएगा उसमें हमें बेटर करना, एंड दैट इज दिस शो, दिस शो इज अबाउट दैट। राइट, लास्टली क्या कहना चाहेंगे? बस इतना बोलेंगे कि हम फाइनली आ ही गए हैं, एंड हम अपना 100% दे रहे हैं, एंड आप भी अपना ख्याल रखिए, एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस योर फैमिली। कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। थैंक यू। हाय, मैं हूं प्रतीक सहजपाल। और मैं हूं निशान भट्ट। और आप हमें देख रहे हैं देसी फीड्स पर।